नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक एलईडी टेस्टर बनाना सीखेंगे और उस टेस्टर की मदद से आप यहां पर जितने भी एलईडी देख रहे हैं, इन सभी एलईडी को बहुत ही आसानी से उस टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 वाट की MCPCB एक रखी हुई है। इस MCPCB को भी बहुत ही आसानी से आप उस टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक DOB लाइट यहाँ पे है, एक ये DOB लाइट भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। ये DOB लाइट डायरेक्ट 220 वोल्ट AC करंट से ये ऑपरेट होता है। इस DOB लाइट को भी उस LED टेस्टर की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये DOB लाइट हमारा खराब है या सही है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5 mm की कुछ LED हैं यहाँ पे, इन सभी LED को भी चेक कर सकते हैं कि ये खराब है या सही है। उसके बाद इस LED टेस्टर को छूने से करंट आता है या नहीं, सभी कुछ पूरे लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद इस LED टेस्टर के आउटपुट में कितनी वोल्टेज होती है, AC आउटपुट वोल्टेज होती है कि DC आउटपुट होती है, सभी कुछ मल्टीमीटर से लाइव टेस्ट करा के दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो इस LED टेस्टर को बनाते कैसे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी इन सभी LED को साइड में रखते हैं। उसके बाद LED टेस्टर बनाने के लिए आपको इस प्रकार का एक मोबाइल कवर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये खाली कवर है, यहाँ पे इसके मदरबोर्ड नहीं है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक LED ड्राइवर ले लेना होगा इस प्रकार से। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9 वाट की एक LED ड्राइवर सर्किट है। ये ड्राइवर सर्किट सही कंडीशन में होना चाहिए बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे 2 रजिस्टर ले लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 रजिस्टेंस है हमारे पास, एक 6.8 ओम की रजिस्टर है, ये देख सकते हैं ये 6.8 ओम की रजिस्टर है, ये क्वार्टर वाट में है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो रजिस्टर है यहाँ पे, ये है 470 ओम का, ये भी क्वार्टर वाट में है। तो 2 रजिस्टर आपको ले लेना है। उसके बाद एक मल्टीमीटर का प्रोब ले लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीमीटर का प्रोब ले लेना है। अगर इस प्रकार के मल्टीमीटर का प्रोब आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह में किसी भी वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही सामान की रिक्वायर्ड होगी इस LED टेस्टर को बनाने के लिए। और यहाँ पे 2 छोटे छोटे वायर ले लेना है। देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे वायर ले लेना है। ये वायर किस लिए लेना है वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको बनाते हैं। और बनाने से पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे LED ड्राइवर के आउटपुट सप्लाई में यहाँ पे एक ब्लैक कलर की वायर है, एक रेड कलर की वायर है। ये हमारा LED MCPCB में कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद इस LED ड्राइवर के सर्किट से जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमारे DC आउटपुट होती है, और उस जो वोल्टेज आउटपुट होती है वो वोल्टेज लगभग 100 वोल्ट, 120 वोल्ट, इस टाइप की वोल्टेज आउटपुट होती है। तो अगर इस टाइप की वोल्टेज आउटपुट हो रही है तो वो हमारे LED ड्राइवर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर लगे हुए हैं। ये वायर डायरेक्ट AC में कनेक्ट हो जाते हैं, ये वायर दोनों AC करंट में इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से इनपुट AC होता है 220 वोल्ट, उसके बाद इस ड्राइवर सर्किट से आउटपुट वोल्टेज इधर हमें मिलता है। जो हमने 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया है, इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ पे आउटपुट सप्लाई में जोड़ देना है। जैसे ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे जोड़ देना और दूसरे रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ देना। आप किसी भी रेजिस्टेंस को कहीं भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं या इस पॉइंट को भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इस वायर को सबसे पहले यहाँ से हटा लेते हैं। अगर नहीं भी हटाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इस वायर को यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस को इसकी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने इस वायर को खोल लिया है, पॉजिटिव वायर को,
अब नेगेटिव वायर को यहाँ से खोल देते हैं। तो देख सकते हैं दोनों वायर हमने हटा लिया है। अब यहाँ पे रजिस्टर को यहाँ पे जोड़ना है, तो रजिस्टर को यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देना है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई में। किसी भी रजिस्टर को आप कहीं भी जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव में जोड़े या नेगेटिव में जोड़े। तो इस प्रकार से चलिए इसको दोनों रजिस्टर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों रजिस्टर को यहाँ पे जोड़ दिया है दोनों पॉइंट्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। इस प्रकार से जोड़ लेना है रजिस्टर को। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी लाइट लगाएंगे ताकि एलईडी टेस्ट करेंगे उस टाइम ये लाइट ग्लो होगी तो पता चल जाएगा कि ये जो एलईडी है ये हमारी सही है। तो चलिए इस यहाँ पे जो इसमें जो बड़ी लेग है उस लेग को यहाँ से हल्का सा कट कर देते हैं। इस प्रकार से इसकी जो लेग है उस लेग को हमने छोटा कर लिया है। अब एक एलईडी लेना है, देख सकते हैं हमारे पास 5 mm की एलईडी है। इस एलईडी में देख सकते हैं दो टर्मिनल होते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। यहाँ पे जो बड़ी टर्मिनल आप देख रहे हैं ये हमारी पॉजिटिव होती है और जो छोटी लेग है ये हमारी नेगेटिव होती है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इस एलईडी को आप उल्टा लगाएंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा, इसको सही डायरेक्शन में लगाना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से तो अब इस एलईडी को यहाँ पे जोड़ना कैसे, तो यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी ड्राइवर सर्किट से जो आउटपुट वोल्टेज जो नेगेटिव हमने नेगेटिव पॉइंट में कनेक्ट किए हैं जो ए रजिस्टर को, उस रजिस्टर के साथ में इस एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ना है। देख सकते हैं नेगेटिव के साथ में एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ पे जोड़ना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। अब मल्टीमीटर का प्रोब लेना है और मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो देख सकते हैं मल्टीमीटर की जो रेड प्रोब है और जो ब्लैक प्रोब है उस प्रोब को आपको कहाँ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एलईडी की पॉजिटिव है, जो एलईडी की पॉजिटिव है उस पॉजिटिव लेग में ये मल्टीमीटर का जो रेड कलर का वायर है उसे हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद जो यहाँ पे एलईडी ड्राइवर के सर्किट से जो आउटपुट वोल्टेज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज हो रहा है उस रजिस्टर में यहाँ देख सकते हैं मल्टीमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना है, नेगेटिव प्रोब को इस प्रकार से। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने सभी कनेक्शन यहाँ पर कर चुके हैं। उसके बाद एक बार यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे देख सकते हैं जो एलईडी ड्राइवर के पॉजिटिव आउटपुट जो पॉजिटिव वोल्टेज होता है उस आउटपुट में एक हमने रजिस्टर को जोड़ा है यहाँ पे 470 किलो ओम का, और जो उस रेजिस्टेंस की दूसरी लेग है उस लेग में हमने ये मल्टीमीटर की जो नेगेटिव प्रोब है उस नेगेटिव प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे एलईडी ड्राइवर सर्किट में जो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है जो नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट होता है उसमें हमने एक 6.8 का रजिस्टर लगाया है। उसके बाद रजिस्टर के दूसरे पॉइंट में हमने इस एलईडी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया है, नेगेटिव लेग को कनेक्ट किया है। उसके बाद एलईडी की जो पॉजिटिव लेग है उस पॉजिटिव लेग में हमने यहाँ पे मल्टीमीटर की पॉजिटिव प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट किया है। कुछ इस प्रकार से बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी कनेक्शन पूरा हो चुके हैं। अब यहाँ पे दो वायर लेना है। वायर इसलिए लेना है ताकि इस यहाँ पे इस कवर में जब फिट करेंगे तो ये हमारे बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगी। और यहाँ पे भी कनेक्ट करना है उस वायर को, देख सकते हैं यहाँ पे एसी इनपुट होती है तो यहीं से हमें एसी करंट मिलता है ये जब हम बोर्ड में प्लग करते हैं। तो चलिए दो वायर ले लेते हैं और दोनों वायर को इन पॉइंट्स में सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे
इन दोनों वायर को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। चाहे तो आप इसमें भी जोड़ के टेप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन दोनों वायर को निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो वायर कनेक्ट कर लिया है एसी की पॉइंट में। यहाँ पे आप कोई सा भी कलर का वायर यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर लिया। तो चलिए अब इस कैबिनेट में यहाँ पे फिट करेंगे। इस एलईडी टेस्टर बहुत ही आसानी से इस मोबाइल की जो कवर है उस कवर में फिट हो जाती है। तो दोनों वायर को यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं मोबाइल के इस कैबिनेट के अंदर में इसको फिट करने के लिए। तो यहाँ पर दोनों वायर को हमने कनेक्ट कर लिया है इस कैबिनेट के अंदर। अब चलिए इस यहाँ पे टेप लगा लेते हैं ताकि अंदर में ये शॉर्ट ना हो और शॉर्ट होके ख़राब ना हो। तो यहाँ पे टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप इलेक्ट्रिक का काम करें तो सेफ्टी को पहले नंबर पर यहाँ रखना चाहिए। सेफ्टी बहुत ही ज़रूरी है इलेक्ट्रिक वर्क में, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो यहाँ पे टेप लगा लेते हैं दोनों पॉइंट्स में अच्छे तरीके से ताकि ये अंदर में शॉर्ट ना हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस प्रकार से टेप लगा लिया है एक पॉइंट में, अब दूसरे पॉइंट में भी टेप लगा लेंगे। तो देख सकते हैं हमने टेप यहाँ पे लगा लिया है। अब इस कैबिनेट के अंदर में चलिए इस ड्राइवर सर्किट को पैक कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे एक होल हमने कर लिया है पहले ही। इस होल के अंदर में इस एलईडी को रखेंगे ताकि ये बाहर हमें दिखाई देगी। तो देख सकते हैं ये एलईडी बहुत ही आसानी से यहाँ फिट भी हो जा रही है। उसके बाद इस ड्राइवर सर्किट को यहाँ रख देंगे कुछ इस प्रकार से। और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये बहुत ही आसानी से यहाँ पे फिट हो चुकी है। चलिए अब इस कवर को यहाँ पे पैक कर लेते हैं। उसके बाद एलईडी को टेस्ट करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे और इसमें इस प्रोब को छूने से करंट आता है कि नहीं ये भी आपको दिखाएंगे मल्टीमीटर से चेक करके कि इसमें आउटपुट वोल्टेज कितना हो रहा है और इसको छूने से करंट आएगा कि नहीं। अगर वीडियो आपने अभी तक यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये एलईडी टेस्टर यहाँ पे पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पर देख सकते हैं एक्सटेंशन बोर्ड है, इस बोर्ड में लगाते हैं और लगा के इसको आप एक बार ऐसे टच करेंगे तो यहाँ पे एलईडी इसकी ग्लो होनी चाहिए। तो देख सकते हैं इसके एलईडी हमारी ग्लो कर रही है और यहाँ पे टच करने से ये एलईडी टेस्टर ख़राब नहीं होगा, देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अब एलईडी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस एमसीपीसीबी को चेक कर लेते हैं। इस एमसीपीसीबी को चेक करेंगे तो इसकी जो सभी एलईडी है वो हमारी ग्लो करने लगेगी। तो देख सकते हैं ये सभी एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस एमसीपीसीबी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको उल्टा करके चेक करेंगे तो यहाँ पे एक एलईडी भी यहाँ पे ग्लो हो रही है, देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे एलईडी लाइट है, इस एलईडी को भी बहुत ही आसानी से आप इसको चेक कर सकते हैं। उल्टा करेंगे इसको मल्टीमीटर की प्रोब को तो देख सकते हैं ये एलईडी भी हमारी ग्लो कर रही है। और ना इसको चेक करते समय आप बिल्कुल ना घबराएं कि ये एलईडी हमारी ख़राब हो जाएगी, ख़राब नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो डीओवी लाइट है, इस डीओवी लाइट को भी
बहुत ही आसानी से इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे पूरी यहाँ पे DUV यहाँ पे ग्लो हो रहे हैं। उसके बाद एक एक LED को भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये LED हमारी ग्लो कर रही है, एक एक LED हमारी ग्लो कर रही है। दूसरी LED यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं ये भी LED हमारे यहाँ पे इस प्रकार से चेक हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी प्रकार के आपके पास LED बल्ब हैं आप सभी को चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये भी LED हमारी यहाँ पे जल रही है। एक हमारे पास ये 5 mm की LED है, इस LED को भी चेक कर सकते हैं। ये LED शायद खराब है, जी हाँ ये जो LED हमारी खराब है इसलिए यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही। तो आप बहुत ही आसानी से कुछ इस प्रकार से LED आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको छूने से करंट आएगा या नहीं। तो देख सकते हैं जो मल्टीमीटर की प्रोब है उसको आप इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, लेकिन आप ग्राउंड के संपर्क में यानी कि खाली पैर में आप खड़े रहेंगे ज़मीन पर तो इसको छूने से करंट आपको लगेगा। आप खाली पैर में या आप ज़मीन पर खड़े रह के आप इस मल्टीमीटर की प्रोब को बिल्कुल ना टच करें। इसको टच करने से आपको बहुत तेज़ शॉक लग सकता है। देख सकते हैं दोनों प्रोब को भी टच करेंगे आप खाली पैर में जब नहीं रहेंगे उस टाइम टच करेंगे तो यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद इस मल्टीमीटर की जो आउटपुट यहाँ पे मल्टीमीटर की प्रोब में जो आउटपुट वोल्टेज हो रही है वो हमारी कितनी आउटपुट वोल्टेज हो रही है ये हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर में सबसे पहले यहाँ पे AC की रेंज में सेट कर लेते हैं कि ये हमारा यहाँ से AC आउटपुट हो रहा है या DC आउटपुट हो रहा है ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर को AC के रेंज में हमने सेट कर लिया है। अब मल्टीमीटर के दोनों प्रोब में इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है या नहीं ये हमें शो हो पाएगी। तो मल्टीमीटर में अब देखें तो यहाँ पे AC करंट आउटपुट नहीं हो रही है, यहाँ पे AC करंट आउटपुट नहीं हो रहे चूँकि LED ड्राइवर सर्किट से हमें आउटपुट वोल्टेज में जो आउटपुट वोल्टेज मिलती है वो हमारे DC होती। तो मल्टीमीटर को DC की रेंज में हमने सेट कर लिया, DC 200 की रेंज में। अब मल्टीमीटर के प्रोब को यहाँ पे टच करेंगे कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पे वोल्टेज आपको शो हो रही होगी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 103, 102, 103, 2 इस टाइप की वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट हो रही है। ये जो DC करंट आउटपुट हो रही है ये हमारे पूरी तरीके से प्योर DC नहीं होती है इसलिए हमें छूने से शॉक लगता है या हाई वोल्टेज DC को छूने से भी शॉक लगता है। जैसे कि अभी यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज 100 के एवर यहाँ पे आउटपुट हो रही है इसलिए इस मल्टीमीटर की प्रोब को छूने से शॉक लग सकता है। तो बिल्कुल आप फ्रिज इस प्रकार की टेस्टर बना के आप इसकी मल्टीमीटर की प्रोब को बिल्कुल ना छुएं और ना ही आप इसको नंगे हाथों से बिल्कुल भी टच ना करें। जब भी आप ज़मीन पर खड़े हों तब इसको बिल्कुल भी टच ना करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद।